खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं दीजा और आप देख रहे हैं जी। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बिहार में कोरोना का कहर जारी है, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौत। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक कोरोना से राज्य में 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस कड़ी में कोरोना ने सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना से प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह की 76 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई है। उनके निधन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने कैश वैन लूटने का किया प्रयास, ड्राइवर को मार दी गोली। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बखड़ा में अपराधियों ने एक कैश वैन को लूटने का प्रयास किया है। प्रयास करने के दौरान कैश वैन के ड्राइवर को गोली मार दी, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधी वैन को लेकर जाने में असफल रहे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षित वैन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूर्णिया में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। जिले में जब देर रात लोग सो रहे थे तो इसी दौरान 4 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना पूर्णिया के NH 31 स्थित मिल्की चौक मरंगा का बताया जा रहा है, जहां अहले सुबह अखबार की गाड़ी सड़क से गुजरी तो चालक ने एक पान के गुमटी से आग की लपटें उठती हुई देखी। बिहार में अब किसी भी हिस्से से पटना महज 4 घंटे का होगा सफर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से होगा सफर। बिहार की राजधानी पटना में अब किसी भी हिस्से से आना महज 4 घंटे का होगा। बिहार में पहला 4-लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद यह संभव हो पाएगा। औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक 4-लाइन के निर्माण से लोगों को काफी सुविधा मिली है। करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही। इसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और करीब 30 महीने में पूरा होने का संभावना जताया जा रहा है। बिहार में मिली कोरोना के 385 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,632। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 385 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,632 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,800 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, ठंड बढ़ने की संभावना। देश भर में अब ठंड दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में दिल्ली समेत अन्य राज्यों के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं विगत 24 घंटे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में उत्तर पश्चिम हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आसमान साफ रहने की वजह से दक्षिण बिहार के शहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मुखिया की हत्या कर भाग रहे 10 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। गया के बड़ा चट्टी से आ रही यह खबर, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में 10 लाख के कुख्यात नक्सली सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही पुलिस इसके पास से AK-47 राइफल, 1 इंसास राइफल बरामद किया है। बारह वोट से चुनाव हारने वाले राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव कोर्ट में कल करेंगे अपील। कहा, दूसरों के लिए बनूंगा मिसाल। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी राजद और जदयू आमने सामने हैं।
जुबानी जंग जहां तेज है, वहीं कई ऐसे नेता हैं जो गिनती में कम वोटों से हारने के बाद अब कोर्ट में जाने का निश्चय कर चुके हैं। ट्वीट वार, नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला, कहा आखिर अनैतिक देह व्यापारी करता रहेगा आपकी तीमारदारी। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार का जहां बिहार को नई दिशा देने में एकजुट हो गए, वहीं राजद और जदयू के नेताओं के जुबानी जंग थम नहीं गए। हर रोज सुबह से ही सोशल मीडिया पर के जरिए जुबानी जंग शुरू हो जाती है, तो प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो जाता है। मधेपुरा में टेम्पो और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर होने से 3 लोगों की मौत। मधेपुरा जिले के चौसा थाना अंतर्गत चौसा फुलौत मुख्य मार्ग भवनपुरा बासा के पास ट्रैक्टर और टेम्पो की टक्कर में एक महिला और 2 पुरुष घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फदौली जाने के क्रम में पीछे से एक ट्रैक्टर ने टेम्पो में टक्कर मार दिया, जिससे टेम्पो सड़क के बगल से बने गड्ढे में पानी में चल गई, जिसमें 4 लोगों की मौत टेम्पो के नीचे दब जाने की वजह से हो गई है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371178773250542437।